नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। दोस्तों, हमने अपनी लास्ट वीडियो जो पोस्ट की थी वो 2 दिन के टारगेट्स आपको दिए थे, फ्राइडे तक के टारगेट दिए थे हमने आपको। जब हमने ये वाली वीडियो पोस्ट की थी आपको वेडनेसडे के दिन, और दोस्तों वेडनेसडे के दिन जो मार्केट थी वो एक्चुअली में कहाँ थी, हम ये चीज चेक कर लेते हैं फटाफट से, और हमने क्या बातें की थी वो भी हम चेक कर लेते हैं। दोस्तों, वेडनेसडे को जो मार्केट थी वो अभी आपको चार्ट के ऊपर दिख जाएगी, और हमने अपनी वीडियो के अंदर साफ साफ बताया था कि ट्रेंड जो है वो एक अपसाइड मूव के अंदर है। जिन लोगों ने भी पूरी वीडियो देखी होगी, वहां पे हमने अपने टारगेट्स भी दिए थे निफ्टी और बैंक निफ्टी के, वो भी हम चर्चा करेंगे हमने टारगेट्स क्या दिए थे। दोस्तों, वेडनेसडे को जो कैंडल थी वो ये वाली कैंडल थी, और हमने साफ साफ आपको बताया था कि ट्रेंड जो है वो एक अपसाइड मूव में है, और हमने आपको टारगेट भी दिए थे निफ्टी के। मैंने आपको कहा था कि एक बार कम से कम 14,700 से लेके 14,800 की रेंज में कम से कम मार्केट आ सकता है, और दोस्तों वेडनेसडे को जो क्लोजिंग हमको मिली थी वो मिली थी दोस्तों 14,510 की। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर किसी ने हमारे वीडियो के हिसाब से ट्रेडिंग किया होगा, डेफिनेटली उसको 200 पॉइंट्स का कम से कम जो है बेनिफिट पक्का मिला होगा, क्योंकि हमने जो पोस्ट की थी वीडियो उसके अंदर आपको ये जरूर कहा था कि 14,700 से लेके 14,800 के आसपास मार्केट आना चाहिए अगले 2 दिन के अंदर। हमने आपको 2 दिन का टारगेट दिया था, फ्राइडे तक का टारगेट दिया था, और दोस्तों फ्राइडे का जो हाई बना है वो मैं आपको बता देता हूँ, 14,690 का बना है, जो तकरीबन तकरीबन आपका 14,700 का मार्केट आ ही गया, हमारे टारगेट के नियर आ गया। तो दोस्तों, मार्केट था पिछला 14,510 के आसपास, मार्केट ने 200 पॉइंट का रैली देने के बाद 14,700 के आसपास यहाँ पे हाई बनाया, और दोस्तों 200 पॉइंट्स का जो अपसाइड रैली हमने आपको बताई थी वो यहाँ पे अचीव होती हुई नजर आई, और आप जाके पुरानी वीडियो भी चेक कर सकते हो। दोस्तों, इसका जो हाई बना है दोस्तों वो 14,695 का बना है, तो तकरीबन 14,700 तक का जो टारगेट हमने आपको दिया था अपनी पुरानी वीडियो के अंदर वो अचीव होता हुआ नजर आया। और मैंने आपको कहा था कि टारगेट जो है इस वाली वीडियो में ही आपको कहा था कि जो टारगेट है ये फ्राइडे तक का है, इसलिए मैंने थर्सडे को वीडियो भी पोस्ट नहीं की थी, क्योंकि हमारी जो एनालिसिस थी वो परफेक्टली चल रही थी, और आपको टारगेट्स जो थे फ्राइडे तक के लिए ऑलरेडी दे दिए गए थे। दोस्तों, हमने इसी वीडियो के अंदर आपको टारगेट बैंक निफ्टी का भी दिया था, आप जाके खुद चेक कीजिएगा कि बैंक निफ्टी का टारगेट जो हमने आपको दिया था वो अचीव होता हुआ नजर आ रहा है या नहीं आ रहा है। दोस्तों, यहाँ पर बैंक निफ्टी के अंदर जो टारगेट दिया था हमने वेडनेसडे की जो क्लोजिंग हुई थी, तो फ्राइडे तक के लिए हमने एक टारगेट दिया था आपको, आप वीडियो में जाके चेक करेंगे तो आपको पता लगेगा। मैंने आपको कहा था 32,300 का हमारा टारगेट है कम से कम बैंक निफ्टी के अंदर फ्राइडे तक का। दोस्तों, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो जो फ्राइडे की जो हाई बना है वो 32,312 का बना है, कितना बना है 32,312 का। दोस्तों, यहाँ पर ये मैजिक है, और आप समझ लीजिए कि जो हमारे टारगेट्स हैं वो हर वीडियो में जो भी हम आपको देते हैं वो ऑलमोस्ट अचीव हो ही जा रहे हैं, और हमारी एक्यूरेसी जो है वो बिल्कुल परफेक्ट चल रही है। और जो फ्राइडे तक के टारगेट हमने बैंक निफ्टी के लिए आपको दिए थे 32,300 के, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि 32,312 का हाई लगा के मार्केट में नीचे की तरफ गिरावट दिखाई, वो भी फ्राइडे को। दोस्तों, हमारे दोनों टारगेट जो हमने आपको दिए थे लास्ट वीडियो के अंदर वो अचीव होते हुए नजर आ गए हैं, और वो हमने आपको प्रूव भी कर दिया है। दोस्तों, अब हम चलते हैं आगे निफ्टी की, पहले एनालिसिस कर लेते हैं कि मुझे पर्सनली अगले हफ्ते के लिए निफ्टी कैसा दिखता है और मैं क्या क्या चीजें यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहा हूँ। और दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट तक देखोगे तो आपको कुछ ना कुछ लर्निंग जरूर मिलेगी, ये मेरा मानना है, क्योंकि यहाँ पर अभी सिचुएशन जो है वो बहुत क्रिटिकल सिचुएशन चल रही है मार्केट को लेके। तो यहाँ पर कुछ न्यूज चल रही है जो नेगेटिव न्यूज है, क्योंकि यहाँ पर हर स्टेट के अंदर अब धीरे धीरे जो है ऑलमोस्ट लॉकडाउन के तरीके से रिस्ट्रिक्शंस लगा दी जा रही हैं, और ये कहानी जो है कोविड-19 के केसेस क्योंकि बढ़ रहे हैं उसको मतलब माइंड में रखते हुए हर स्टेट अब प्रिकॉशंस लेने की तैयारी कर रहा है, जिसकी वजह से कुछ ना कुछ पाबंदियां बिजनेसेस के ऊपर और पब्लिक के ऊपर भी यहाँ पर लगाई जा रही है। तो यहाँ पर काफी न्यूज भी चल रही है अगले हफ्ते के लिए, और साथ में क्या डाटा पॉइंट्स बोल रहे हैं वो भी हम आपको यहाँ पे बताएंगे, टेक्निकल पॉइंट्स भी बताएंगे। इसलिए दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और यहाँ पर अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हमारी एक्यूरेसी 90% से ऊपर चल रही है, और आप सभी लोग जो भी लोग यहाँ पर हमारे चैनल के साथ कनेक्टेड हैं
वो सभी लोग इस चीज को जानते होंगे ऑलरेडी, और जो लोग टेलीग्राम के ऊपर क्या कहते हैं कनेक्टेड हैं वो लोग तो यहाँ पर उनको तो बहुत ज्यादा हेल्प मिल रही होगी, क्योंकि यहाँ पर हम लोग लाइव मार्केट के अंदर भी उनकी हेल्प करते हैं। लाइव मार्केट के ऊपर आपको जो हेल्प मिलेगी दोस्तों, वो केवल और केवल टेलीग्राम चैनल के ऊपर ही मिलेगी। इसलिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो भी ज्वाइन करना आपके लिए कंपल्सरी होता है, कि अगर आप चाहते हैं लाइव मार्केट के एनालिसिस लाइव मार्केट के अंदर, तो आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा। दोस्तों अब फटाफट से हम चलते हैं आगे, हम देखते हैं कि आगे मार्केट कैसा रह सकता है। दोस्तों निफ्टी का चार्ट जो है वो आपके सामने खुल गया है, यहाँ पे वन डे की कैंडल मैंने यहाँ पे लगाई हुई है, आप जाके चेक कर सकते हो। तो वन डे की कैंडल के हिसाब से आप दो तीन चीजें देखिएगा जो कि मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। एक तो मैं इस चार्ट को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। अब यहाँ पे चेक कीजिएगा कि जो प्राइस एक्शन है, प्राइस एक्शन में क्या बोल रहा है ये प्राइस एक्शन, कि ये कैंडल जो है वो एक बेयरिश कैंडल है। पहली चीज तो आपको समझ में ये आना चाहिए कि ये एक बेयरिश कैंडल है। बहुत सारे लोगों को प्राइस एक्शन का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर नहीं होता है, लेकिन होता क्या है कि जब भी किसी भी कैंडल की जो विग है वो ऊपर होती है और बॉडी जो है वो नीचे बनती है, तो दोस्तों ऐसी कैंडल एक बेयरिश कैंडल मानी जाती है। ये प्रेडिक्शन का रूल होता है, क्योंकि यहाँ पर ऊपर के लेवल से मार्केट को नीचे ढकेला गया और क्लोजिंग जो है वो बिल्कुल नीचे के लेवल पे हुई थी। दोस्तों ये कैंडल जो है प्रेडिक्शन के बेसिस के ऊपर बेयरिश है और ये मार्केट की वीकनेस दिखाती है। ऐसी प्रेडिक्शन की कैंडल काफी पहले भी बनी थी और आप चेक कर सकते हो, जब जब ऐसी कैंडल बनती है तब तक मार्केट में क्या होता है। यहाँ पे बनी थी तो मार्केट नीचे आया था दोस्तों, ऐसी ही कैंडल यहाँ पर भी बनी थी तब भी मार्केट नीचे आया था। तो दोस्तों ये काफी रिलायबल पैटर्न होता है। मैं ये नहीं कहता कि क्या कहते हैं प्रेडिक्शन हमेशा 90% और 100% बिल्कुल ही क्या कहते हैं आपका रिलायबल होता है, लेकिन काफी रिलायबल होता है। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मतलब मेरी रिलायबिलिटी जो है प्रेडिक्शन प्लस डाटा पॉइंट दोनों को जब मैं कंबाइन करता हूँ तभी मेरी रिलायबिलिटी खुद के लिए आती है। लेकिन अभी हम प्रेडिक्शन देख रहे हैं तो प्रेडिक्शन यहाँ पे बेयरिश है और थोड़ा वीकनेस भी यहाँ पर दिख रही है हमको, तो हमको ये समझना पड़ेगा प्रेडिक्शन बेयरिश है। दूसरी चीज अब करेंगे क्या, कैसे करेंगे ये समझना होगा। तो हमारे जो टारगेट्स हैं दोस्तों, टारगेट्स जाने से पहले हमको कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है वो भी समझनी पड़ेगी। दोस्तों यहाँ पर अगर प्रायरेक्शन यहाँ पर नेगेटिव है तो इसका इम्पोर्टेंस अब कैसे समझ में आएगा, मतलब हमको जो मंडे है उसको हमको कैसे ट्रेड करना होगा। देखिए ध्यान से समझिएगा तभी आपको समझ में आएगा। देखिए मंडे के लिए आपको इम्पोर्टेंट ये है कि जो इस कैंडल का जो लो है वो लो कितना है, 14,560 के आसपास, ठीक है, 14,560 के आसपास। ये एक ऐसा लेवल होगा जिसको तोड़ना मार्केट के लिए बहुत क्या कहते हैं कंपलसरी होगा, मार्केट को अगर नीचे गिरना है तो। याद रखिएगा इस लेवल को नोट डाउन कर लीजिएगा, 14,560 के नीचे मार्केट बहुत तेजी से गिरेगा, और ये लो अगर तोड़ा तो मार्केट आसानी से नीचे आ जाएगा और मार्केट के अंदर ये जो बेयरिश कैंडल है ये एक्टिव हो जाएगी और बेयरिश कैंडल अपना काम दिखाना शुरू कर देगी। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या है, 14,560 का लेवल जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा मंडे के दिन, और इस लेवल के नीचे जैसे ही मार्केट जाएगी तो आप शॉर्ट कर सकते हो, आप डेफिनेटली शॉर्ट कर सकते हो। और वहां पर आपको जो टारगेट मिलेंगे दोस्तों, वो टारगेट जो आपको मिलेंगे वो पहला टारगेट आपको मिलेगा दोस्तों 14,460 का, सॉरी इस लेवल के नीचे आपको जो पहला टारगेट मिलेगा दोस्तों वो मिलेगा 14,520 का, और दूसरा टारगेट दोस्तों मिलेगा 14,480 का, और जो थर्ड टारगेट मिलेगा दोस्तों वो मिलेगा 14,420 का। तीन टारगेट निकल के आते हैं, जैसे ही ये लेवल टूटेगा आप शॉर्ट कर सकते हो, आपको ये तीन टारगेट मिलेंगे। लेवल आपने लिख लिया, टारगेट्स आपने लिख लिए, आई होप आपको लेवल्स और टारगेट समझ में आ गए होंगे, नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि 14,560 के नीचे ट्रेड होने जरूर दीजिएगा शॉर्ट करने के लिए। अब हम देख लेते हैं कि चलो हमें टारगेट तो समझ में आ गए, दूसरी चीज हमको ये समझ में आ गया कैंडल जो है वो वीक है। अब इसको कंफर्म कर लेते हैं हम लोग ऑप्शन चेन के बेसिस के ऊपर। तो दोस्तों ऑप्शन चेन की एनालिसिस हम हर वीडियो के अंदर करते हैं। दोस्तों यहाँ पर काफी ज्यादा कमेंट्स मुझे मिल रहे हैं कि दोस्तों के सर आप जो है ऑप्शन चेन जब पढ़ रहे हो करंट वीक की तो काफी ज्यादा कंफ्यूजन देखने को मिल रही है, क्योंकि ऑप्शन चेन जो है वो फिलहाल जो है वो बुलिश दिख रही है।
और मेरा जो व्यू है वो दोस्तों बेयरिश है ऑप्शन चेन के बेसिस के ऊपर। अब वो ये जो कंफ्यूजन है लोगों को दिख रहा है बुलिश, मुझे दिख रहा है बेयरिश। अब ये जो कंफ्यूजन है मैं इसको थोड़ा दूर करने की कोशिश करता हूँ। अगले 5 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लर्निंग वीडियो के अंदर, ये जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे अगले दिन, अगले 5 मिनट के लिए इसको जरूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। यहाँ पे दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन चेन है वो डेफिनेटली बुलिश है करंट वीक की, और वो कैसे बुलिश है आपको यहाँ पे दिखेगा कि पुट राइटर्स जो है वो बहुत ज्यादा हैवी है, और साथ में यहाँ पर 14,000 यहाँ पर जो है इन द मनी के अंदर कॉल राइटर्स अपनी पोजिशन भी क्लोज कर रहे हैं। तो ये कॉल राइटर पोजिशन क्लोज कर रहे हैं इसका मतलब बुलिश है, पुट राइटर अगर मतलब एक्टिव है तो इसका मतलब भी बुलिश है। तो यहाँ पर ओवरऑल जो ऑप्शन चेन है दोस्तों वो यहाँ पर बुलिश है करंट वीक की। लेकिन एक बहुत बड़ा यहाँ पर एक आप समझ लीजिए बहुत बड़ा पेज है यहाँ पे, वो पेज क्या है वो आपको समझना होगा। दोस्तों यहाँ पर होता क्या है इस चीज को समझ लीजिएगा कि दो सेगमेंट होते हैं, एक होता है फ्यूचर सेगमेंट और एक होता है दोस्तों ऑप्शन सेगमेंट। फ्यूचर सेगमेंट जो होता है उसकी वेटेज हमेशा ज्यादा मानी जाती है एनालिसिस के अंदर, ऑप्शन चेन जो होता है उसके प्रीमियम्स क्योंकि डीके होते रहते हैं तो ऑप्शंस की वेटेज हमेशा लो मानी जाती है, ये आप समझ लीजिए। फ्यूचर्स के अंदर क्या कर रहे हैं बड़े प्लेयर उसको अगर हम कोरिलेट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर ऑप्शन चेन भी मुझे क्यों बेरिश नजर आ रही है। तो वेटेज मैं पर्सनली इस वक्त इस हफ्ते एनालिसिस करते हुए जो दे रहा हूँ वो आपकी फ्यूचर्स को दे रहा हूँ। तो दोस्तों फ्यूचर्स के अंदर सिचुएशन क्या चल रही है कि बड़े प्लेयर जो है फ्यूचर्स के अंदर शॉर्ट पोजिशंस क्रिएट कर रहे हैं, मतलब शॉर्ट पोजिशंस क्रिएट नहीं कर रहे मतलब अपनी लॉन्ग पोजिशंस को क्लोज कर रहे हैं। लॉन्ग पोजिशंस को क्लोज करना मतलब वो शॉर्ट हैं, लॉन्ग पोजिशंस को अगर कोई क्लोज करेगा तो इसका मतलब वो बेयरिश है, अगर कोई बेयरिश है तो इसका मतलब वो शॉर्ट साइड में बैठा होगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। शॉर्ट पोजिशंस यहाँ पे मैं बार बार क्लियर कर देता हूँ आपको कि शॉर्ट पोजिशंस फिलहाल नहीं है फ्यूचर्स के अंदर बड़े प्लेयर्स की, और वो बन भी नहीं सकती जब तक शॉर्ट सेलिंग बैन लगा हुआ है। लेकिन जो अपनी लॉन्ग पोजिशन से बड़े प्लेयर वो क्लोज कर रहे हैं, इसलिए लॉन्ग पोजिशन क्लोज करने का व्यू सिंपल निकल के आता है कि वो फ्यूचर्स के अंदर यहाँ पर बेयरिश है। अब दोस्तों फ्यूचर्स के अंदर बेयरिश है, वेटेज जो है वो ज्यादा है आपकी क्या कहते हैं फ्यूचर सेगमेंट के, भी आपको बताया। तो इसका मतलब जो ऑप्शंस के अंदर वो यहाँ पर पोजिशंस बना रहे हैं जो कि बुलिश पोजिशंस वो अपनी यहाँ पे बना रहे हैं ऑप्शन के ऊपर, वो दोस्तों एक्चुअली में रियल पोजिशंस नहीं है, वो एक्चुअली में हैज पोजिशंस हैं, ये आपको समझना होगा। इसलिए जो अभी करंट वीक की जो ऑप्शन चेन आपको बुलिश दिख रही है वो एक्चुअली में एक ट्रैप है, वो दोस्तों एक्चुअली में हैज्ड है, अपनी फ्यूचर्स पोजिशंस को उन्होंने हैज किया है ऑप्शन से। और दोस्तों यहाँ पर ये बहुत बड़ी गलती और बहुत बड़ा ब्लंडर करेंगे रिटेल ट्रेडर्स जिनको नॉलेज नहीं है इस लॉजिक की, कि वो यहाँ पर ऑप्शन चेन को देख के बुलिश हो जाएंगे और वो बहुत जल्दी ट्रैप भी हो जाएंगे। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि ऑप्शन चेन को हमेशा फ्यूचर्स के सेगमेंट के साथ कनेक्ट करके देखना जरूरी रहता है। फ्यूचर्स में अगर लोग बड़े प्लेयर जो हैं बुलिश हैं और ऑप्शन चेन भी बुलिश है यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। लेकिन दोस्तों अगर फ्यूचर्स के अंदर नेगेटिव है और ऑप्शन चेन बुलिश है इसका मतलब डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा, ये एनालिसिस करने का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। दोस्तों यहाँ पर फ्यूचर्स जो है वो डाउन ट्रेंड में है और आपको ये समझना पड़ेगा फ्यूचर्स डाउन ट्रेंड में है, ऑप्शंस यहाँ पे बुलिश हैं, इसका मतलब यहाँ पे पॉसिबिलिटी 90% जो है वो डाउन ट्रेंड की ही रहनी चाहिए। दूसरी चीज यहाँ पर आपको एक इंपॉर्टेंट चीज दिखाता हूँ कि अभी करंट वीक की ऑप्शन चेन के ऊपर यहाँ पर आप चेक कर सकते हो 14,800 के ऊपर फ्रेश कॉल राइटिंग हुई है, 14,700 के ऊपर भी फ्रेश कॉल राइटिंग हुई है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कॉल राइटर एक्टिव नहीं है, कॉल राइटर डेफिनेटली यहाँ पे एक्टिव है, लेकिन पुट राइटर्स थोड़े ज्यादा हैं, इसलिए यहाँ पर जो सिचुएशन है करंट वीक के अंदर थोड़ी सी बुलिश नजर आ रही है। लेकिन साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पर अगर कॉल राइटर एक्टिव है तो दोस्तों यहाँ पर आप चेक करोगे 14,400 के ऊपर जो है आपके बहुत जबरदस्त एक्टिविटी हो चल रही है, इसको दोस्तों कहते हैं पुट बाइंग एक्टिविटी क्योंकि ये ओटीएम पे चल रही है। दोस्तों
14,400 की एक्टिविटी करंट वीक के अंदर चल रही है और डाउन ट्रेंड का मुझे एक्सपेक्टेशन है। और इसको कंफर्म करने के लिए मैं आपको एक चीज और दिखाता हूँ कि 29 अप्रैल वाली यानी कि जो मंथ एंड के ऑप्शन चेन है वहां भी आप जाके चेक कीजिएगा कि यहाँ पर 14,800 के ऊपर पुट राइटर्स अपनी पोजीशंस क्लोज कर रहे हैं। ये एक बेयरिश व्यू होता है। साथ में आप चेक करेंगे 14,900 के ऊपर भी कॉल बायर्स अपनी पोजीशंस क्लोज कर रहे हैं, कॉल बायर्स, ये भी एक बेयरिश व्यू होता है। और साथ में आप चेक करोगे 14,400 के ऊपर नहीं, 14,450 के ऊपर यहाँ पर जबरदस्त तरीके से ऑप्शन बाइंग की जा रही है जो कि पुट बाइंग है। तो दोस्तों 14,400 के ऊपर करंट वीक के अंदर पुट बाइंग चल रही है और नेक्स्ट वीक के अंदर 14,450 के ऊपर स्ट्राइक प्राइस के ऊपर नेक्स्ट वीक के अंदर पुट बाइंग चल रही है। और मैंने आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपडेट भी किया था कि 14,400 से लेके 14,450 के आसपास मार्केट आ सकता है अगले एक हफ्ते के अंदर। और यहाँ पर रीजन यही है कि यहाँ पर अगले वीक के अंदर बुलिश पोजीशंस क्लोज हो रही हैं, पुट राइटर पोजीशन क्लोज कर रहे हैं, कॉल बायर भी पोजीशन क्लोज कर रहे हैं। ये एक बेयरिश व्यू है। अगर यहाँ पर बेयरिश व्यू है तो हमको देखना पड़ेगा मार्केट में पुट बाइंग कहाँ चल रही है। दोस्तों पुट बाइंग जो चल रही है वो 14,400 से लेके 14,450 के आसपास चल रही है और साथ में फ्यूचर भी यहाँ पे नेगेटिव ही है। तो ओवरऑल जो व्यू निकल के आ रहा है वो नेगेटिव है और ऑप्शन चेन नेक्स्ट वीक की बेयरिश है। करंट वीक की यहाँ पर थोड़ी सी बुलिश नजर आ रही है, लेकिन ये करंट वीक के अंदर बड़े प्लेयर अपनी ऑप्शन के अंदर हेज पोजिशन क्रिएट कर रहे हैं, इसलिए मेरा यहाँ पे व्यू जो है वो बेयरिश है। आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छी लर्निंग भी मिली होगी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के बाद। अब मैं आपको देखना दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो कम से कम हमारा जो टारगेट निकल के आ रहा है दोस्तों 14,420 का निकल के आ रहा है, जो हमारा टारगेट हिट हो सकता है अगर मार्केट ने फॉलो ढंग से हमारी एनालिसिस को किया। बाकी जो आपको लाइव मार्केट के अंदर डायरेक्शन और प्रेडिक्शन मिलेगी लाइव डाटा को देखने के बाद वो आपको केवल टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिलेगी। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। दोस्तों निफ्टी एनालिसिस यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। बैंक निफ्टी यहाँ पे देख लेते हैं, बैंक निफ्टी क्या चाहता है। बैंक निफ्टी की तो देखिए यहाँ पे बैंक निफ्टी की कैंडल भी जो है वो यहाँ पर बेयरिश ही है। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये है कि जैसे ही ये कैंडल का जो लो है, जो वनडे की कैंडल का जो लो है कितना है 14,931,926, तो जैसे ही ये लो ब्रेक करेगा दोस्तों 31,900 का जो लो ब्रेक करेगा वैसे ही यहां पे डाउन ट्रेंड चालू हो जाएगा। और दोस्तों कम से कम वो डाउन ट्रेंड आपका 31,600 और 31,400 के आसपास तक का रहेगा। कितना रहेगा 31,600 और 31,400 तक के आसपास का रहने की पूरी पूरी गुंजाइश है यहाँ पे। लेकिन कंडीशन ये है कि 31,900 के नीचे मार्केट को जाने दीजिएगा, तभी आप शॉर्ट कीजिएगा। आपको 31,400 तक के आपको लेवल आराम से मिल जाने चाहिए, ये मेरी एक्सपेक्टेशन है। लेवल्स टारगेट्स आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के अंदर मिल चुके हैं। आई होप आपको वीडियो यहाँ पे समझ में आया होगा, लॉजिक जो आपने नया सीखा होगा आज कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, उसका डिस्क्रिप्शन आपको नीचे दिया जाएगा, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा आपको, और वो ज्वाइन आप कर सकते हो। वीडियो कैसी लगी, कुछ सीखने को मिला कि नहीं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मैक्सिमम लोगों तक इस चैनल को ग्रो करने में हेल्प कीजिएगा। मिलते हैं हम मंडे को अपनी लाइव मार्केट के अंदर टेलीग्राम चैनल के ऊपर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।